أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم This is Asif Hassan, the English language trainer and the educationist. Once again, I have been right here with the episode of Rahefala. Today, once again, I would like to say you guys welcome to my channel and I hope you must be watching my videos time to time and I want your feedback the way you have given me always and right from the word go. You guys have appreciated my videos and my style of talking. And today I have brought to you another very important episode of Rahefala. I would like to expect you today that please you watch it till the end and give me further feedback regarding PST or JEST. Whatsoever topic you have in your mind, whatsoever problem you have in your mind, you can share with me. So as I could be able to sort out such problem and I have been right here for you guys. So this video is gonna be very unlike as compared to other video because I am going to, what should I say, disclose some of the secret, and some of the secret will be unfolded today by me. And secret I think needs to be unfolded. If you have any of the secret regarding educational what may call it system of our country, so I think we should unfold, we should disclose such a secret. So today I'm going to discuss about the Secretary of Education. He's not very happy with the DEOs and as well as with the directors. So basically aaj ki video banane ka maqsad yahi tha ki Secretary of Education jo hai na wo DEOs aur directors ki performance se bilkul bhi satisfy nahi hai aur unka behavior jo hai wo bhi theek nahi hai. तो इस वजह से जो सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन है वो जो है वो इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि ये जितने भी लोग एजुकेशन में बैठे हुए हैं, ख़ास तौर से डायरेक्टर्स हो गए और डीईओस हो गए, ये जो भी हैं, तो बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन की बात पर ये अमल नहीं कर रहे हैं. और सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन जो कि डीईओज और डायरेक्टर्स के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा आजिज आ चुके हैं, तंग आ चुके हैं, और अब उन्होंने ये फैसला कर दिया है कि वो ये डिपार्टमेंट छोड़ने जा रहे हैं, यानी वो ये छोड़ देंगे. यकीनन जब उनकी बात को फॉलो नहीं किया जाएगा तो यकीनन उनको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा. तो ये मामला है और आज की ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपडेट थी, मैंने कहा कि आपसे शेयर करूँ. आप जानते ही हैं कि डीईओज और डायरेक्टर्स की नालायकियों की वजह से अब तक जो है ना सेक्रेटरी साहब को ही हैज़ टू पे अ हैवी प्राइस, इनको बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है और बहुत ज़्यादा तनकीद भी की गई है कि क्या सिस्टम है, किस तरह के मामला थे. और यहाँ पर एक न्यूज़ और भी बहुत ज़्यादा हमारे सामने आई है कि डायरेक्टर्स और डीईओज की इन्वॉल्वमेंट यहाँ तक है कि इन्होंने जो है वो ग्रेस मार्क्स के मामला में भी डंडियाँ मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी. ये बहुत ज़्यादा रुकावट बने और ख़ास तौर से इन मामलात को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई. और ख़ास तौर से कैंडिडेट्स के, जितने भी कैंडिडेट्स थे जो ग्रेस मार्क्स जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनको भी बहुत तकलीफ दी और ग्रेस मार्क्स के मामलात में रुकावट डालने में इन्होंने अहम किरदार अदा किया. यकीनन इनके पीछे कुछ बाअसर अनासिर होंगे जिन्होंने इनको रोका होगा और इन्होंने उनका साथ दिया होगा. तो ये सारे मामला हमारे सामने आए जबी जो है वो इस वक्त सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन जो है वो ये सोच रहे हैं कि वो किसी तरह से जो है वो इन लोगों से जान छुड़वाएं. और पर्टिकुलरली आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये फैसला जो है वो लेने जा रहे हैं कि अब वो जो है वो मज़ीद जो है वो इस डिपार्टमेंट को शायद कंटिन्यू ना कर सके, क्योंकि डायरेक्टर्स और डीईओज का जो बिहेवियर है उससे वो बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर से सेक्रेटरी साहब तंग आ चुके हैं. और यहाँ पर एक अहम बात सामने ये भी आई है कि ग्रेस मार्क्स के मामलात में भी देखें कि इन डायरेक्टर्स ने और डीईओज ने जो है वो बहुत शर्मसार कर दिया है सेक्रेटरी साहब को. सेक्रेटरी साहब खुद जो है वो ये सोच रहे हैं कि भाई मैं अब इनसे जान छुड़वाऊँ, क्योंकि ये जो है वो ऑर्डर्स को फॉलो तो करने के लिए तैयार नहीं है. और ग्रेस मार्क्स के मामलों में आप देखें कितनी ज़्यादा पेचीदगियाँ हुई हैं. इतने मेरे पास कमेंट्स आए, मेरे इतने व्यूवर्स हैं, उन्होंने इतने कमेंट्स किए मुझे, मैं खुद थक गया उनके जवाब दे देकर. लेकिन आज ये न्यूज़ मुझे पता चली
कि इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है वो डीईओज और डायरेक्टर्स की है। तो अब ये देखें कि सेक्रेटरी साहब जो है वो इतना बड़ा डिसीजन अगर ले लें कि भाई वो जो है वो जो है वो हर तरह से एजुकेशन के डिपार्टमेंट को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, तो समझ जाएं कि इसके पीछे यकीनन इन डायरेक्टर्स का नाअहल नालायक डायरेक्टर्स और डीईओज जो हैं इनका हाथ है, इनका हाथ। और इनका हाथ यकीनन क्यों होगा जब इनके ऊपर बाअसर लोग जो है वो बैठे हुए होंगे जो इनसे जैसे मनमानियाँ करवाएंगे वो ये करेंगे। तो आप देखेंगे क्या सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है और ग्रेस मार्क्स के मामलात में जितनी रुकावटें इस वक्त आई हैं और शुरू से लेकर अब तक जितने कैंडिडेट्स ने इसके बारे में शिकायत की हैं कि हमें दो नंबर नहीं मिले, हमें एक नंबर नहीं मिला, हमारा एक नंबर से रह गया, हमारा दो नंबर से रह गया। तो आप ये समझ जाएं कि जब एक नंबर या दो नंबर से रह जाना बहुत बड़ी तादाद में ग्रेस मार्क्स तो दिए ही नहीं गए ना, तो अब ये सारे मामलात हमारे सामने आ रहे हैं। इससे ये पता लगता है कि इसमें कसूर जो है ना वो सेक्रेटरी साहब का नहीं है, जो ये जो डायरेक्टर्स डीईओज और ये जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हैं जो भी हैं इनका जो बिहेवियर है ना वो खुल के सामने आया है, तो इस वजह से सेक्रेटरी साहब खुद तंग आ गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने आई, मुझे ये आज न्यूज़ मिली और जब मुझे न्यूज़ मिली तो मैं खुद हैरान रह गया कि कोई किसी के अंडर में काम कर रहा है तो वो उसके रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहा। तो आप ये देखें कि हमारे यहाँ का क्या सिस्टम है, यानी सीनियर या जूनियर की बात तो छोड़ दें आप, एक सेक्रेटरी है तालीम का उसकी बात को फॉलो नहीं कर रहे ये लोग, तो इसका मतलब है कि इनके पीछे किन लोगों के हाथ हो सकते। तो आप समझ जाएं कि ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से हमारे मुल्क में जो है वो देखा जाए तो हमारे मुल्क में ना इस तरह के अनासिर बहुत ज़्यादा हैं और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा फिक्र भी करनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में और सोचना भी चाहिए। तो मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं उनकी पत्नी कितनी दफ़ा मेरे सामने मैसेजेस आए, उनके व्यूज़ आए कि ग्रेस मार्क्स का क्या हुआ था, ग्रेस मार्क्स के बारे में बताएं, तो आज मैं उनको बताना चाहूँगा। मेरे भाई, जितने भी भाई मेरे सुनने वाले हैं, मेरे व्यूवर्स हैं और मेल हों या फीमेल हों, मेरे भाई हों या बहनें हों, उन सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखें अब ये बात मैं आपके सामने लाया हूँ और ऐसा ही है, ये सब चीज़ें इस वजह से हो रही हैं। तो लिहाजा इस वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें मुझे, और उसके साथ साथ मुझे कॉमेंट्स दें, मुझसे राय भी ले सकते हैं आप, मुझे कोई एडवाइस भी कर सकते हैं आप, आपको पूरी अथॉरिटी है। तो लिहाजा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर होगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ने के बाद।